राधे राधे दोस्तों दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताएं। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास चल रहा है, वो समझ लीजिए अब आखिरी समय रह गया है, केवल अब 8 दिन रह गए हैं। तो अब बचे हुए दिनों में हमें क्या दान करना है, पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन हमको क्या दान करना है, आज मैं उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये जो 8 दिन बचे हैं इनमें आपको और भी चीज़ें जो दान करनी है वो दान कर लीजिएगा। आज हम आपको बताएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 25वें दिन क्या दान करने को बताया है। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन दशमी तिथि को क्या दान करना है। दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अटके कार को सफल करने के लिए सुहाग सामग्री का दान बताया है। वैसे भी उन्होंने सुहाग सामग्री का दान दोनों बार बताया है, मतलब कि आपको जो 33 चीज़ें दान करनी वो भी आप सुहाग सामग्री की कोई चीज़ दान कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पूरा यदि पूरा सामान दे रहे हैं सुहाग सामग्री का तो 33 सामान हो जाए वो करके दान कर दीजिएगा। तो आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको वैसे ही देना है तो आप छोटी छोटी पोटलियाँ बना लीजिए, कुछ सामान जो मेन मेन है, बिंदी का पत्ता है, चूड़ी है और सिंदूर है, तेल है, इस तरह से 4-5 चीज़ें रख के 33 पाउच भी बना सकते हैं, नहीं तो आप 33 सामान एक साथ भी दे सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।